रामू। क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं, तुम जब यहाँ आए थे तब कुछ महसूस नहीं हुआ था, जब जा रहे हो तो रोना आ रहा है। तो मैं रुक जाऊं? पागल हो तुम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और खुशखबरी लेकर आऊंगा। अब जरा स्माइल करो मेरी प्यारी अमृता। देख के तो मेरा मन भी हरा हो गया। मैं तुम्हें हरा भरा करने को ही तो साथ आई हूँ। तेरे में अब रस कहाँ, अब नया फूल चूसूंगा मैं, गांव की कच्ची कली को फूल बनाऊंगा। ए, दिल्ली पार्सल कर दो इसको। कंग्रेचुलेशंस विकी। आइए आइए भाई आइए। कंग्रेट्स फॉर विकी स्टील्स। वैदेही स्टील्स भाई, नाम से ही अरमान जाग गए। उसे एक रात के लिए मेरे पास भेजना, भेजेगा ना? वो नहीं आ सकती, वो मेरी दादी थी जो अब मर चुकी है। ओह, मेरी बदकिस्मती। चलो चलिए। आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह उर्फ विकी, लोग यही कहते हैं। विकी नाम दे यस्या, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अक्षरे स्वाहा, ओम जमान स्वाहा। विकी। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या नाटक है? ये जमीन तुम्हारी नहीं, इन किसानों की है जो यहाँ खेती करते आए हैं। ये भूमि पूजन अभी का भी बंद करो। हम जमीन के मालिक को पैसे देके एग्रीमेंट साइन करवा चुके हैं। एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया था लेकिन वो साइन हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। तू कौन है बे साले? मैं जमीन के मालिक राजा राम बहादुर का पोता हूँ। ए, हट रे। आने से बिजली कड़क जाए वो तो कहर बरसाएगी। रेन इज फॉलिंग झमा झम झम। क्या हो गया, क्या बात है? इन खेतों पर अगर किसी का हक है तो इन किसानों का है। उन बेचारों को तो ये तक पता नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री बनने वाली है। अग्रीमेंट पर साइन के बिना ही आप लोग यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, ये अन्याय कैसे कर सकते हो आप? विके, ये जमीन किसकी है? भूमि पूजन पूरा कर लेते हैं भाई। पहले जनता फिर सारी पाठ पूजा। साइन आज हो जाएगा भाई, ये पूजा इसलिए रखी क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं भाई। किसानों को यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं बनवानी है सर, एक्चुअली। तुम चाहती हो भूमि पूजन रुक जाए, है ना? हाँ। विके भाई, भूमि पूजन रोक दो। ये क्या कह रहे भाई? गाना रोक दो। हम सब आपके बहुत एहसानमंद हैं सच। ये एहसान वैसान पुरानी बातें हैं, करना तो कुछ मेरे लिए करो। मेरे डैड को वोट दो। शिशा सर, जिंदगी में पहली बार बारिश में भी पसीने छूट रहे हैं तुम्हारी आंखों की आग से। वाह वाह, तुम्हारा जिगरा देख के मैं उसका कायल हो गया। अब तो तू कहेगी तभी भूमि पूजन होगा। क्या बात है, तुमने तो मुझे पूरा हिला कर रख दिया है। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ कोमल। नमस्ते सर। इस हिरनी का शिकार तो पक्का है बॉस।
कितनी अच्छी खबर सुनाई है बेटा। आदित्यपुरम की कोई लड़की अगर हमारे घर की बहू बनती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यानी कि माँ जी का मायका अब तुम्हारा ससुराल होने वाला है। हम सब कल ही वहाँ चलते हैं, अब इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। अरे वाह, तो शहनाई की लड़की पसंद आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इंसान की इच्छाएं उसकी मुसीबत की जड़ हैं, लेकिन इच्छाओं के बिना कोई इंसान भी नहीं हो सकता, ये भी सच है। भगवान बनने की इच्छा किसे है, हम तो इंसान ही ठीक हैं। नमस्ते, मेरा नाम है बिल्ला गजपति, मेरे पिता का नाम है उमा गजपति, वो वुमेन्स वेलफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ, मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है। I'm in love. तो मैंने सोचा शादी के पहले तुम्हें बता दूं। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका हल है, ऐसा हल जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और आप भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। विके, ये क्या है? पैसा, हर आदमी की जरूरत, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे तेरी बेटी को हमेशा के लिए चिपका के नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए, एक रात के 1 करोड़ रुपए। इन पैसों से ऐसी शादी कर सकोगे कि पूरा गांव देखेगा। निकल यहाँ से, तुझे शर्म नहीं आती? एक लड़की के बारे में इस तरह की घटिया बातें करता है, कीड़े पड़ेंगे तेरे मुँह में बेशरम। रोक 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 रोक, तू भी कम क्यूट पीस नहीं है, क्या उम्र है तेरी, तू भी चलेगी मुझे। तेरे 50 लाख ही दूंगा मैं, यूज्ड पीस होना तुम। हाय तैया, लड़की तो सिर्फ खेलने की चीज होती है, चाहे वो साड़ी में हो या जीन्स में है। तो सौदा पक्का? सुनो, जब तुम एक रात के लिए 1 करोड़ रुपया दे सकते हो तो मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये पैसा कैसे कमाया होगा। जरूर तुमने अपनी माँ बहन की दलाली करके ये पैसा कमाया होगा। बुड्ढे, बात खत्म नहीं हुई, ये पैसा उठा के ले जाओ और अपनी माँ बहन को मेरे पास ले आओ। इतनी हिम्मत तेरी? मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो तुझे नपुंसक बनाकर छोड़ दूंगा। वेके भाई, अगर तुझे उस जमीन पर तेरी फैक्ट्री चाहिए तो मुझे मेरे बिस्तर पर ये लड़की चाहिए।
ने यहाँ लक्ष्मण रेखा बना दी है। अगर तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है या एक बाप की औलाद है तो इसे पार करके दिखाए। कोई मर्द उड़ा दो साले को। कौन अबे तो? अमृता का होने वाला पति और मैं उसे यहां से लेकर जाने आया हूं। से इसके बाप ने बताया था मुझे, तो वो तू है। तेरे ससुराल वालों को मस्त ऑफर दिया था, बेकार में ठुकरा दिया सालों ने। चल अब तेरे लिए भी वही ऑफर, वही रकम, 1 करोड़ रुपए। शादी भले ही तू कर ले, परानी मुन मुझे मनाने दे। मैं तुझे 10 करोड़ रुपए देता हूँ। तुझे बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहना होगा कि आदित्यपुरम जाने के बाद तू मर्द नहीं रहा। लोगों को भी तो तेरी असलियत पता चलनी चाहिए। तू भाई को 10 करोड़ रुपए देगा? तेरी औकात क्या है? मैं रोशनी मित्तल का छोटा बेटा हूँ, इस गांव के जमींदार राजा राव बहादुर का पोता, आदित्यपुरम का वारिस और तुम्हारी तबाही की वजह। भाई इसे मारने के बाद लड़की आपकी और जमीन मेरी। एए! तुझे तेरी मांगेतर के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा। गंगा में जितना पानी है उससे ज्यादा खून हमने बहाया है। एए! अपनी नापाक जुबान से पवित्र गंगा का नाम मत ले। और रही बात मेरे मंगेतर के सामने मुझे कुत्ते की मौत मारने की, तो जितना दम लगाना है लगा लो, पर तुम में से कोई भी मुझे छू नहीं पाएगा। मुझे मेरी माँ की कसम है। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। निकल। चप्पल उतारो अमृता, चप्पल उतारो।